राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में 28 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने एक बार फिर से कई सियासी दिग्गजों के खिलाफ छापेमारी की है। सीबीआई की ये कार्रवाई 3 राज्यों में हुई है, इसमें पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की का आवास भी शामिल है। आपको बताया चले, गुरुवार को भी सीबीआई ने बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की इस कार्रवाई से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी ठिकानों से बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं, अधिकारी इसकी छानबीन कर रहे हैं। वहीं ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस मामले में किसी भी पल आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। सीबीआई ने झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो, गोड्डा और दुमका जिले में छापेमारी की थी। इस तरह बिहार के पटना और दिल्ली में भी छापेमारी हुई है। इस घोटाले में सबसे बड़ा चेहरा पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रहे आर के आनंद शामिल हैं। खेल संघ के कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल सीबीआई ने भारी संख्या में दस्तावेज बरामद किए हैं। अब देखना होगा कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।